आज जिस भारत में हम रहते हैं, प्राचीन काल का भारतवर्ष, जिसे आर्यावर्त देशांतरे, भरतखंडे, जम्बू द्वीपे कहकर संबोधित किया जाता था, उससे काफ़ी अलग और छोटा है। पाकिस्तान तो हमसे 1947 में ही अलग हुआ, परंतु अफगानिस्तान के इलाके, जिसे हम गांधार कहकर बुलाते थे, और उससे भी पश्चिम के इलाके भी भारतखंड का ही हिस्सा थे। वहीं अगर पूर्व की बात करें तो बांग्लादेश, म्यांमार और सारे छोटे बड़े द्वीप समूह भारतखंड में ही आते थे। भारत ने अब विशाल साम्राज्य शस्त्रों के बल पर नहीं, साम्राज्यवादी प्रतिनिधियों के भेष में आए मिशनरीज से नहीं, वरन शास्त्रों और वेदों के प्रभावशाली दर्शन और भारतीयता के अद्भुत सोच से सींचा था। भारतवर्ष ऐसा साम्राज्य था जो मीलों दूर तक फैला था, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और सर्पाकार नदियों से घिरा हुआ था और ऐसे लोगों से परिपूर्ण था जो भांति भांति की भाषाओं में निपुण और निष्णात थे। ये अलग अलग रीतियों से चलते थे, परंतु इनकी संस्कृति एक थी। ऐसा लगता था मानो ज्ञान की देवी सरस्वती ने स्वयं इस भारतीय परिवेश का सृजन किया हो और आध्यात्मिक विकास एवं शांति की भावनाओं को प्रचारित किया हो। देश के कई भागों में वसंत पंचमी का उत्सव देवी सरस्वती को समर्पित है। उन्हें एक अति सुंदर स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, जो चमकते हुए श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित है, कमल पर विराजती हैं और वीणा वादन में निपुण है। यह दृश्य अपने आप में उसी तरह की शांति का आभास कराता है जैसे कई पश्चिमी कलाकारों के अनुसार और केडिया को देखने पर लगता है। यह स्रोत देवी सरस्वती के वैभव का गुणगान भी करता है और उसी के साथ अज्ञानता को मिटाने के लिए उनकी शरण और उनके आशीर्वाद की मांग भी करता है। या कुंदिंद तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित गरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरम प्रभृति देवै सदा वंदिता, सामं पातु सरस्वती भगवती निश्चेष्ट याढ्यापः। जैसे जैसे भारतीय सभ्यता की यश कीर्ति चारों ओर फैलने लगी, वैसे ही उनके आराध्य का भी प्रचार प्रसार होने लगा। भारतीय भूमि में पहले ही आराध्य बन चुकी सरस्वती देवी विदेशों में भी लोकप्रिय होने लगी। उदाहरण के लिए म्यांमार में सरस्वती देवी को थाए थदी के तौर पर पूजा जाता है। प्राचीन विहारों और मंदिरों में आज भी उनके नाम के आह्वान के साक्ष्य मिलते हैं। ज्ञान की देवी होने के नाते उन्हें बौद्धिक शास्त्रों के संरक्षक का स्थान दिया गया है। आज भी वहाँ कई विद्यार्थी परीक्षा देने से पहले माँ सरस्वती का आशीर्वाद अवश्य लेते हैं। वहीं थाईलैंड में सरस्वती को सुरत सवदी के तौर पर पूजा जाता है, जो ब्रह्मदेव की धर्मपत्नी भी मानी जाती हैं और वक्तव्य एवं ज्ञान की देवी भी। कंबोडिया में सरस्वती का प्राचीन खमेर साहित्य में विस्तृत उल्लेख दिया गया है, जिसमें कभी कभी वागेश्वरी के तौर पर तो कभी भारती के रूप में विस्तृत उल्लेख किया गया है। हिंदू बाली में सरस्वती का वही स्थान है जो भारत में लोगों ने उन्हें दिया है। स्थानीय बाली पंचांग के अनुसार सरस्वती दिवस उनके पंचांग का अंतिम दिन माना जाता है और इसलिए इस दिन को स्थानीय हिंदू जनमानस में बड़े जोर शोर से मनाते हैं। देवी सरस्वती के विभिन्न रूप पर आते हैं। चीन में बियान चैत्यान देवी सरस्वती का चीनी स्वरूप है। बौद्ध सूत्र में, जिसे गोल्डन लाइट सूत्र भी कहा जाता है, इसमें उनकी काफ़ी प्रशंसा की गई है। इस बौद्धिक सूत्र के अनुसार चार दिव्य राजा उनकी रात दिन रक्षा करते हैं। चीन के पड़ोस जापान में भी देवी बियान चात्याइन की पूजा होती है और वहाँ उन्हें कहा जाता है देवी बेंजाइतेन। जापान में देवी बेंजाइतेन में देवी सरस्वती के गुण देखने को मिलते हैं और इसलिए उन्हें बौद्धिक और शिंटो विद्यालयों में पूजा जाता है। देवी सरस्वती के समान देवी बेंजाइतेन को बैठे हुए जापानी ल्यूट यानी बीवा नामक एक वाद्य यंत्र बजाते हुए देखा जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे देवी सरस्वती वीणा का वादन करती है। देवी बेंजाइतेन का उन सभी चीज़ों से संबंध है जो अविरल बहती रहती है, चाहे वो जल हो या वक्तव्य या फिर वाग्मिता हो या बुद्धिमता ही क्यों ना हो। जैसे देवी सरस्वती ने तीन सिरों वाले सर्प वृत्त का वध किया था, वैसे ही देवी बेंजाइतेन को भी ड्रैगन और सांपों से जोड़ा जाता है। पूरे जापान भर में देवी बेंजाइतेन को समर्पित कई मंदिर हैं जो अधिकतर जल स्रोतों के पास स्थित होते हैं। इनमें से तीन मंदिर चिकुबुशिमा, इत्सुकुशिमा और इनोशिमा नामक द्वीप पर स्थित हैं, जिन्हें निहोन सेंडाई बेंटेन या तीन महान बेंटेन मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है। भारत उसके पड़ोस में जो अभी समानताएं दिखाई दे रही हैं वे उससे भी कई ज़्यादा हैं, जो एक ही संस्कृति के आधार पर बनी है। यहाँ रहने वाले लोगों के दर्शन और दृष्टिकोण में समानता है। ये समानता पूरी दुनिया को शांति और ज्ञान के लिए एक अद्भुत रास्ता दिखा सकती है, जिसका प्रतीक है देवी सरस्वती की साझी विरासत, जो भारत के साथ साथ पूर्वी एशिया के अधिकतम देशों में भी विद्यमान है।